दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अमेरिकन फैंटेसी हॉरर कॉमेडी मूवी की जो रिलीज हुई थी 2012 में और इस मूवी को डायरेक्ट किया था टिम बर्टन ने। और दोस्तों ये हम सभी के फेवरेट एक्टर जॉनी डीप की मूवी है और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10। और दोस्तों ये मूवी बहुत ही ज्यादा हॉरर और कॉमेडी से भरी हुई है जहाँ हमें एक विच और वैम्पायर की जबरदस्त केमिस्ट्री और फाइटिंग देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है 1760 में एक नरेटर के साथ जिसमें कॉलिंस नाम की फैमिली से इंस्टीट्यूट कराया जाता है। इस फैमिली में तीन लोग रहते हैं, एक छोटा बच्चा बारनाबास और उनके माता पिता जो कि अमीर फैमिली होती है और वो एक बिजनेसमैन थे। उनकी कंपनी कॉलिंस पार्ड नाम से जानी जाती थी। उनके महल का नाम कॉलिंग वुड था। कुछ समय बाद वो बच्चा बड़ा हो जाता है और उसका अफेयर महल में काम करने वाली एक एंजेलिक नाम की लड़की से होता है। वो बारनाबास को प्रपोज करने के लिए कहती है लेकिन वो तो उसे प्यार नहीं करता था। दरअसल बारनाबास किसी और को प्यार करता था। तो बदले की भावना से एंजेलिक काले जादू से उसके माता पिता को मरवा देती है और बारनाबास को श्राप देती है कि वो जिससे प्यार करता है वो लड़की मर जाएगी। तो ब्लैक मैजिक से उस लड़की जोसेट को सुसाइड करवा देती है। फिर इससे दुखी होकर बारनाबास अपनी जान देने जाता है लेकिन एंजेलिक वहां आकर उसे एक शैतान वैम्पायर में बदल देने का श्राप देती है और वो अमर हो जाता है। फिर एंजेलिक वहां के पूरे लोगों को इकट्ठा करके उसे शैतान बताकर कब्र के अंदर दफना देती है और उसके 200 साल बाद गुजर जाते हैं। टाइम होता है 1972 का। एक लड़की जिसका नाम मैकी है वो काम ढूंढने के लिए कॉलिंस वुड जाती है और अपना नाम चेंज करके विक्टोरिया रख लेती है। और कॉलिंस पहुंचकर बताती है कि वो गवर्नेंस के काम के लिए आई है और बारनाबास की फोटो देखकर उसके बारे में पूछने लगती है। फिर वहाँ मिसेस स्टोटेड आती है और विक्टोरिया को घर के बारे में बताती है और उसे एक बच्चे के बारे में बताती है और उसे हायर कर लेती है। विक्टोरिया डेविड की माँ के बारे में पूछती है तो स्टोटेड बताती है कि उसकी माँ की समंदर में डूबने से मौत हो गई थी। फिर वो उसे अपनी बेटी कैल रेयन से मिलवाती है। फिर खाने के टेबल पर विक्टोरिया की मुलाकात डेविड के पिता रोजर से होती है। फिर वहाँ जूली आ जाती है जो कि एक डॉक्टर थी। तभी वहाँ डेविड चादर ओढ़कर विक्टोरिया को डराने आता है और तभी स्टोटेड उसे बताती है कि वो उसकी न्यू टीचर है। डेविड उसे कहता है कि उसकी मॉम मरी नहीं है, वो उससे बात करती है। इस बात पर विक्टोरिया उसे सपोर्ट करती है तो डेविड के फेस पर स्माइल आ जाती है। विक्टोरिया अपने कमरे में चली जाती है जहाँ कोई फिर उसे डराने आ जाता है और जब वो चादर हटाती है तो वहाँ एक आत्मा होती है जो उसे कहती है कि वो आ रहा है और विक्टोरिया उसका पीछा करती है लेकिन कुछ समझ नहीं पाती। फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ काम चल रहा होता है जहाँ वर्कर को खुदाई के दौरान एक कब्र मिलती है लेकिन उस कब्र को खोलने पर बारनाबास बाहर निकल आता है और उन सभी को मार कर उनका खून पी लेता है। और फिर एक आदमी से पूछता है कि क्या कॉलिंस फैमिली में अभी तक कोई जिंदा है, तो वो उसे बताता है कि फैमिली में अभी 4 मेंबर हैं। और फिर बारनाबास उन्हें हिप्नोटाइज कर अपना सर्वेंट बना लेता है और उसे पता चलता है कि लगभग 200 साल गुजर चुके हैं। घर पहुंचने पर उसकी मुलाकात कैलोरिन और डेविड से होती है। फिर डेविड कैलोरिन से कहता है कि वो पेंटिंग वाला आदमी वही है। फिर वो दोनों आपस में कॉलिंस फैमिली के रिश्तेदार बताते हैं और तभी वहाँ स्टोटेड आ जाती है और बारनाबास उसे अपने साथ हुए सभी इंसिडेंट के बारे में बता देता है कि वो एक वैम्पायर है और कभी मरा ही नहीं। तो क्यों दोस्तों कैसी लगी आपको इस मूवी की स्टोरी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।